मैंने नान चने का नाश्ता करना है, नान चने मैं लेने आया हूँ मिल्ले चौक पर। इधर से मैं नान चने अक्सर लेके जाता हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं, तो रश भी काफ़ी। बस ये ले लिया, मैं जा रहा हूँ इधर से घर जा के नाश्ता कर लें। ये है जी आज का नाश्ता, नान और चने। अस्सलामुअलैकुम, एक नए दिन के साथ एक नए व्लॉग का करते हैं आगाज़। आज मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ईद के बाद आज फर्स्ट डे है। तैयार मैं हो चुका हूँ, नाश्ता मैंने कर लिया है और बस थोड़ी देर में मैं निकलूँगा ऑफिस के लिए। ऑफिस जाने का टाइम हो गया, अब मैं निकल पड़ा हूँ ऑफिस के लिए। अब मैं रेडी हो गया, बाइक निकालता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। जी ऑफिस के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, बाइक की हालत बहुत गंदी हुई हुई थी, मट्टी मट्टी। फ़िलहाल तो मैंने उसको थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है। इंशाल्लाह आज ऑफिस से वापस आते हुए इसकी मैं सर्विस भी करवाऊँगा, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया था घर में खड़ी हुई थी, तो डस्ट ही डस्ट हुई थी उस पर। रास्ते से जाते हुए कुछ मोती के फूल लगे होते हैं, मैं कभी कभार ना ये ले जाता हूँ। इनकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, इनको मैं ऑफिस में रख लेता हूँ, मेरे पूरे ऑफिस में खुशबू ही खुशबू हो जाती है। वैसे आप भी लेके जा सकते हैं अंदर से, सारी बहुत लोग लेके जा रहे होते हैं। पीछे एक बस वाला भी रुका हुआ था, वो भी यहीं से फूल तोड़ के लेके जा रहा था। अब इनको मैं तोड़ के डाल लेता हूँ शापर में, बहुत लगे हुए सारे रोड के। ले जी ऑफिस के लिए मैं निकल पड़ा हूँ, रास्ते में हूँ, बस थोड़ी देर में ऑफिस पहुँच जाऊँगा। ऑफिस की टाइमिंग 7:30 बजे है, 7:30 से 4 बजे तक, तो ऑफिस में तो मैं अभी व्लॉग नहीं कर सकूँगा। वैसे अब डेली रूटीन में तो मुश्किल ही है मेरा कोई व्लॉग आए, जैसे प्रीवियस पिछले कुछ दिनों में मेरे डेली व्लॉग आ रहे थे, क्योंकि अब ऑफिस वही पुरानी रूटीन होगी, टाइम होना नहीं है डेली ऑफिस आना जाना। ऑफिस में पहुंच चुका हूं, अब करूंगा अपने ऑफिस का काम, क्योंकि काफ़ी दिन 2 दिनों का पेंडिंग का वर्क भी पड़ा हुआ है, और बस वो फिनिश करूँगा। और व्लॉग तो मैं नहीं बनाऊँगा, व्लॉग मैं इंशाल्लाह घर जा कर ही बनाऊँगा या ऑफ़ करने के बाद, क्योंकि ऑफिस में मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकता। ऑफ़ करके मैं घर आ चुका हूँ, और कल सारी रात मैं सफ़र करके आया हूँ, तो मुझे आ रही है शदीद किस्म की नींद, और मैं नहा के नमाज़ पढ़ के अब लेट चुका हूँ, और हो सकता है कि मैं जल्दी सो जाऊँ और मैं फिर सुबह ही मेरी आँख खुलेगी और मैं उठूँगा। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग कल आएगा। तो रेहान ख़ान को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।